हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रतिभा द्विवेदी असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज सो दिस वीडियो लेक्चर इज़ रिलेटेड टू डी फार्म फर्स्ट ईयर फ्रॉम योर सब्जेक्ट फार्मासूटिक्स एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज डिस्टिलेशन सबसे पहले आप ये देखिए कि डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी डेफिनेशन क्या है उसकी डेफिनेशन है डेस्टिलेशन इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय मींस ऑफ सप्लाइंग हीट मींस डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो यूज़ करते हैं हम लिक्विड uh, मिक्सचर्स में से उसके कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए बाय अप्लाइंग हीट हीट का एप्लीकेशन करते हैं जिससे वो लिक्विड मिक्सचर्स बॉयल होता है लिक्विड uh, मिक्सचर्स जो है आपका उसमें से उसके जो कंपोनेंट्स हैं एक्टिव कॉन्स्टिटूंट हैं वो सेपरेट होते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन नाउ अब हम uh, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टीम डिस्टिलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन तो यहाँ आज हम डिस्कस करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन ठीक स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है बहुत कॉमन प्रोसेस होती है स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज बाई यूजिंग स्टीम इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम प्रोवाइड होगा स्टीम मतलब ए, एक्स्ट्रा अदर से वेपर या भाप बोलते हैं जिसको हिंदी में वो प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रेशर को इंक्रीज़ करता है इंटरनल जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से आपकी जो वेपर्स बनती हैं वो एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करती हैं बॉइलिंग के लिए अब स्टीम डिस्टिलेशन क्यों यूज होता है डिस्टिलेशन तो सिंपल डिस्टिलेशन से भी होता है इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे आपके सब्सटेंस होते हैं बहुत सारे आपके मिक्सचर्स लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत हाई होता है लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर हीट सॉरी डीकम्पोज हो सकते हैं मीन्स बॉयल करने के लिए अगर आप उनको हाई हीट दोगे तो हीट हाई टेम्परेचर जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है उनको डिकम्पोज कर सकता है इसीलिए आपको क्या करना है टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ाना है प्रेशर बढ़ेगा उसके अंदर वेपर बढ़ेगी तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली वो कम uh, टेम्परेचर पे बॉईल होगा ठीक है इसीलिए हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन नाउ वी कम टू द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल सा है स्टीम कैन होती है फ्लास्क होता है कंडेंसर अडाप्टर रिसीवर डिस्टिलेट डिलीवरी ट्यूब बैंड ट्यूब सेफ्टी ट्यूब ये जो स्टीम कैन होता है इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टीम के लिए ही एक्स्ट्रा स्टीम कैन लगाया गया है इसमें एक्वा सॉल्यूशन या वाटर प्रेजेंट होता है क्योंकि वाटर ही आपका स्टीम प्रोड्यूस करेगा इसमें एक सेफ्टी ट्यूब लगी होती है जो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए होती है इंटरनल प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको रिलीज़ करता है ये सेफ्टी ट्यूब के थ्रू बेंड ट्यूब क्या होती है बेंट ट्यूब जो है ये अंदर का जो प्रेशर बनाता है स्टीम बनती है अंदर प्रेशर जो बनता है ये बेंड ट्यूब के थ्रू फ्लास्क में जाता है अब सबसे जरूरी पोर्शन है फ्लास्क इसमें आपका नॉन वोलाटाइल सॉरी नॉन एक्वा सब्सटेंस होता है नॉन एक्वा सब्सटेंस मतलब कोई भी ऑयल ठीक है उसमें आप छोटा सा पोर्शन थोड़ा सा पोर्शन वाटर का मिलाते हो थोड़ा इसमें आपका नॉन एक्वस लिक्विड होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें आप वाटर मिक्सअप करते हो ठीक जब यहाँ से नीचे बर्नर से हीट प्रोवाइड होगी और यहाँ सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों को सेम टाइम पे ही हीट प्रोवाइड करनी है ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहले ऑन कर दिया बाद में इसको बॉयल कर रहे हो दोनों को सेम टाइम पे ही आपको हीट प्रोवाइड करनी है जब हीट प्रोवाइड होगा तो यहाँ से स्टीम होगी स्टीम बनेगी स्टीम जो है बेंड ट्यूब के थ्रू आपके फ़्लास्क में जाएगी फ्लास्क का जो मटेरियल है वो बॉयल होना शुरू होगा बॉयल होना शुरू होगा कम टेम्परेचर पे क्योंकि आपकी यहाँ से स्टीम मिल रही है दैन उसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कंडेंसर में जाएगी कंडेंसर में दो ट्यूब्स लगी होती हैं वाटर सप्लाई के लिए कंडेंसर का क्या काम होता है कंडेंसर का काम क्या होता है ये बाहर का जो सर्फेस है वो कूल करता है अंदर की जो हीट है वेपर है आपकी ऑयल की क्योंकि यहाँ पर वोलाटाइल ऑयल सब्सटेंस प्रजेंट है नॉन एक्वस लिक्विड प्रजेंट है इसीलिए जो वेपर है ऑयल की ये आपकी कंडेंसर के थ्रू एडाप्टर में जाएगी जब ये वेपर कंडेंसर में जाएगी तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है जब ये ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये अडाप्टर के थ्रू रिसीवर में जाएगी और कलेक्ट हो जाएगी अब आपको पता है कि ये ऑयल है इसमें वाटर भी है ठीक है तो ये जो ऑयल वाटर है ये मिक्सअप नहीं होगा तो ये यहाँ पे जब कलेक्ट होगा तो इसको बाद में सेपरेटिंग फनल के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो ठीक है ऑयल अलग और वाटर का अलग तो सिंपल सा प्रोसीजर है आपका स्टीम डिस्टिलेशन का